क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करना है, पहले लिख देंगे सोल्व। सोल्व लिखने के बाद क्या क्या दिया है हमारा, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, मतलब साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बाटा कर्ण होता है नो, यानी हमारा लंब और कर्ण दिया है, हमारा लंब ये हो गया, ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा कर्ण। तो हमें क्या नहीं दिया अभी, आधार नहीं दिया है, आधार भी ज्ञात करना होगा। आधार ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना दिया है, कर्ण हमारा दिया है 4, तो 4 के स्क्वायर कर दिए। लंब हमारा दिया है 3, 3 के स्क्वायर कर दिए। आधार नहीं दिया है तो आधार का जगह पे रख देते हैं। देखिए इसको करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, वर्ग करेंगे इसका वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये जगह पे हो जाएगा। अब देखिए हम इसको यहाँ इस पलाटी पर लगाते हैं, यानी 9 जोड़ आधार का स्क्वायर, पूरा विस्तार से बता रहे हैं, इक्वल टू 16। अब देखिए क्या करना है, अब ये पक्षांतर हो गया, यानी 9 है जो 16 एक्स प्लान बराबर के दूसरी साइड आएगा, तो इधर बच जाएगा आधार स्क्वायर। 9 जो दूसरी साइड आएगा 16 जो कहते हो, इसके आगे प्लस है तो ये दूसरी साइड आ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब इसको हम घटा लेंगे तो बचेगा हमारा क्या 7, 16 में ले 9 गया 7। अब देखिए आधार, आधार ज्ञात करना है ना, तो आधार तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है बराबर के तो रूट में हो जाता है, तो अंडर रूट 7 हो जाएगा। आ गया लंब, आ गया कर्ण, आ गया तीनों चीज़ आ गया, तो कॉस ए ज्ञात करना है, कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार हमारा कितना है, आधार हमारा आया है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही चीज़ करेंगे, देखिए सोल्व लिखेंगे, सोल्व के बाद क्या है जो दिया है हम वो लिखेंगे, तो दिया है हमारा ये 15 cot A = 8। तो देखिए इसको क्या करेंगे, कोट ए हो गया जो कहते हैं, अब 15 इस गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो भागम हो जाएगा, तो कोट ए बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, आधार बट्टा लंबे यानी टेन ए के उल्टा होता है। तो हमारा आधार दिया है, लंब दिया है, क्या नहीं दिया है, तो कर्ण नहीं दिया है, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण लंब आधार, लंब आधार तीनों चीज़ आ गया, तब हमें ज्ञात का करना है साइन ए, साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना दिया है, लंब हमारा आ गया 15, कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमारा आ गया 17, तो 15/22 17, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब पूछ रहा है सेक, सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार यानी कॉस के उल्टा, तो कर्ण हमारा कितना दिया है 17, आधार कितना दिया है 8, 17/8 एक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से हैं, आप मिला सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी त्रिकोणमिति में जितने सदस्य हैं उनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सोल्व, सोल्व के बाद क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर दिया क्या है 13/12, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो कर्ण बटा आधार यानी ये हमारा हो गया कर्ण, ये हमारा हो गया आधार, हमें लंब नहीं दिया है तो लंब ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। अब त्रिकोण हमारा तीनों चीज़ आ गया, लंब कर्ण और आधार आ गया तीनों चीज़, तो हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिकोणमिति के अन्य सभी सदस्य यानी साइन थीटा कोस थीटा, सेक दिया है कॉस सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए साइन थीटा बराबर सबसे पहले ज्ञात करते हैं, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कितना दिया है, तो यहाँ से देख लीजिए लंब हमारा कितना है 5, कर्ण कितना है 13, 5/13। अब इसका उल्टा कॉस सेक थीटा है, कॉस सेक थीटा बराबर इसका उल्टा होता है तो उल्टा कर देंगे 13/5। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा कितना दिया है, आधार हमारा दिया है 12/13। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार, लंब हमारा दिया कितना 5, आधार कितना दिया 12,
कॉट थीटा, तो इसको उल्टा बताए तो 12 बटा 5, तो ये सब हमारा आंसर हो गया।